किसको कसूरवार समझते हैं? देखें जी, अगर तो जमहूरियत का एंगल लिया जाए फिर तो मती कसूरवार है, सही। लेकिन ये कि ये जो खातून है ये तो बड़ी तवील तारीख रखती है इस तरह की वायलेंस की, सही, और माइक तोड़ने की और माइक छीनने की। मैंने आपको एक क्लिप भेजा था कि ये भी दिखाएं कि ये 2013 में क्या कर रही थी असेंबली के बाहर। बिल्कुल। और रहा ये कि ये बड़ी वैसे हमारे लिए शर्म की बात है कि ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई है। और देखें इसने जो गालियां दी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दिखा दें, कुछ थोड़ी सी सुनवा दें कौम को, ताकि उन्हें पता चले कि ये चॉइस क्या है, ये मुस्लिम लीग नून की। और हमारे चैनल पर ना भी सही, सोशल मीडिया पर तो चल ही जाएगा, सोशल मीडिया पर तो आवाम देख ही लेंगे। चले हाँ, सोशल मीडिया पे वो अलग से क्लिप जो है ना गालियों वाला, वो भी चलाएं ताकि लोगों को पता चले। ठीक। जहां तक मामला है, ये कश्माला का कश्माला फूलन देवी है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, मैं आपको बताऊं। ठीक। ये इसकी वफादारियां नहीं बदली, जिधर इसके दोस्त गए उस तरफ ये गई। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, आप स्टन हो जाएंगे। असलम खान साहब, सब लोग अच्छा ठीक है। असलम खान साहब, मती साहब के साथ जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी वो कश्माला तारिक साहिबा को उस तरह से पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहे, उससे सबके बावजूद जिस तरह से गालम गलोच हुई, वहां पर धक्कम फेल हुई, जैकेट उनकी फाड़ दी गई।